नमस्कार। नाइन्थ क्लास के सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम अपना एक लेसन अधूरा है, वो हमारा चौथा लेसन है। माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ रहे हम। माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारे एक यू कहे स्वतंत्र सेनानी के रूप में हैं, 1920 में पहली बार उनको जेल हुई है और ये पहले ऐसे कवि जो जेल भी गए हैं। और फिर हमें यहाँ पर जो कविता थी उसको हमने पढ़ा था, कविता का नाम था कैदी और कोकिला। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें कि हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या यहाँ से है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, ठीक है, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलों का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिए गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुण क्यों जगे रुलाने वाले, इसलिए रात में गजब डा रही है आली। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना आपको, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, पूरी को ध्यान से सुनना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। तो हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारे एक स्वतंत्र सेनानी कवि हैं, वो जो रात को उनके जेल में कोयल आके बोल रही रात के 12 बजे समथिंग, उस समय उस कोयल को कह रहे हैं कि हे कोयल क्या देख न सकती जंजीरों गहना। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न अलंकार है, कौन सा अलंकार है, प्रश्न, अगर प्रश्न पूछ रहा तो प्रश्न अलंकार हो जाएगा। और फिर बताया जा रहा है कि हे कोयल क्या आप हमारे जो हाथों में पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई जंजीरें पड़ी हुई हैं, जो बेड़ी हमारे कैदियों के पैरों में लगी हुई हैं, क्या इन जंजीरों का जो गहना है क्या आप इसे देख नहीं सकती। तो यहाँ पे देखिए देख नहीं सकती को आप क्या समझेंगे, कहने का मतलब इसमें देखो देख नहीं सकती जंजीरों को गहना। तो देखिए यहाँ पे जो जंजीरें बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ हैं उनको लेखक कवि ने गहना कह दिया। जब गहने का मतलब होता है जिसको हम राजी होकर पहनते हैं, खुश होकर पहनते हैं, तो ये अपने देश पे बलिदान होने के लिए उन जंजीर को भी गहना कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती उनके द्वारा बंदी नहीं बने गए, अपनी आज़ादी चाहने के लिए बंदी बने हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो ब्रिटिश जंजीरों का गहना है, जो ब्रिटिश सरकार की हथकड़ियाँ हैं, ये हमारे लिए गहना है क्योंकि हमें अपना देश आज़ाद कराना है। तो क्या हे कोयल तू इसको देख नहीं सकती है, अर्थात तू हमें इस जंजीरों को बताने के लिए कूकती हो, हथकड़ियाँ क्यों, अर्थात हमारी जो हथकड़ियाँ हैं जंजीरें मैंने आपको बता दी पहले, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये जो गहना है अर्थात जो बेड़ियाँ है किसकी, ब्रिटिश सरकार का जो कानून है उसकी वजह से हमें पहननी पड़ रही हैं। और ये देखिए एक आगे उसमें पंक्ति मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो कैद में हैं, जेल में हैं, और वो जेल में क्यों, हमारे देश को आज़ादी कराने के लिए। अब बात करें कि जेल में कैदियों के साथ ब्रिटिश सरकार जो है वो कैसे कैसे नियम बनाती है, कैसे कैसे दुर्व्यवहार करती है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो केस में देखिए मैटर क्या है कि कोहलू का चरक चूं, कोहलू होता है मतलब आप जानते हो कि पहले जो सरसों है उससे जो तेल निकालने का जो काम किया जाता था तो उसमें बैल को लाया जाता था, और बैल का जो गर्दन है दो बैलों को ऐसे गोलाई में मतलब बांधा जाता था, ये ध्यान रखना है, दोनों बैल गोलाई में घूमते रहेंगे, उनका जो गर्दन होती है उस गर्दन पर लकड़ी का एक जुआ हो रखा जाता है, और जुए से लकड़ी कनेक्ट करके और एक मशीन सी होती थी पत्थर जैसी बड़ी मोटी, उसमें कोहलू उसे कहा जाता था। तो उससे क्या कि सरसों डालते और सरसों के जो दाने होते उन पे पत्थर का एक बड़ा गोल सा पहिया होता था, वो घूमता था और उसका पे तेल निकलता था और खींचा के जरो बैल के द्वारा। लेकिन यहाँ पर विडम्बना देखिए कि जो कवि हैं वो कोहलू का बैल, वैसे एक बता दो कोहलू का बैल राजस्थान में मुहावरा भी है, 24 घंटे काम में लगे रहने को कोहलू का बैल कहते हैं। तो जो कोहलू होता है तेल निकालने की जो मशीन है उसको कोहलू कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि कोहलू का चरकचू, चरकचू क्या है कि अब जो कोहलू चलता है ना तो चर चर की आवाज़ आती है, उसे चरकचू कहा जाता है, जीवन की तान। तो देखिए कोहलू का बैल होना एक पाप है, एक विडंबना है, लेकिन यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हमने भाई उनके लिए कोहलू का बैल बन रहे हैं, उनके सरसों का तेल निकाल रहे हैं, लेकिन वो जो चरकचू की आवाज़ आती है वो भी हमारे लिए कैसे जीवन की तान, अर्थात हमें कोई बुरा नहीं लग रहा, हमें अपने देश की आज़ादी के लिए हम उस पर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन की तान है, एक अच्छा मीठा राग है कि हमने अंग्रेज़ों की जो भाई हुकूमत है उसको बर्दाश्त मतलब कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारा शान के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि झुके नियम, गिट्टी पर उंगलियों के ने लिखे निशान, गिट्टी का मतलब जो पत्थर होता है उसको धकेलना पड़ता है उसे गिट्टी कहा जा रहा है, गिट्टी पर उंगलियों क्या है निशान लिखे हैं, और कैसे कि उंगली लिखे गान, अर्थात हमारी उंगलियों के जो निशान है वो उस पर आ रहे हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ का मतलब मैं जो हूँ, मोट, मोट का मतलब होता है एक चमड़े से बना हुआ एक यूँ कहे बर्तन जैसा होता है, खींचता लगा पेट पर जुआ। तो देखिए पशुओं के तो गर्दन पे जुआ रखा जाता है, लेकिन ये अपने पेट पे रस्सी को बांध के और फिर उस मोट को खींचता है। अब मोट क्या, आपको बता दूँ कि पहले के ज़माने में चमड़े का एक बड़ा सा बाल्टीनुमा बर्तन होता है, उसको कुएं में डाला जाता था और उसमें से पानी जो है वो खींचा जाता था,
तो पानी खींचने की काम आता मोट, और ये मोट क्या करता कुएं से पानी निकालता है। तो हूँ मोट खींचता पेट पर लगा जो, अर्थात तो पेट पर रस्सी बांध करके और कुएं से पानी खींच रहा कौन, ये हम बात करें माखन चतुर्वेदी की। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, तो ये कह रहे देखो मैं उनके यहाँ से कुएं का पानी निकाल निकाल के अंग्रेजों को दे रहा हूँ, लेकिन ये मैं क्या मान के कर रहा हूँ, मेरी नज़र में क्या है कि ब्रिटिश अकड़ का जो कुआ अर्थात तो जो अंग्रेज सरकार है उनके नियम कानून जो हमारे हमें पसंद नहीं, अर्थात वो हम हमारे साथ अवमानना करते हैं, रुखाई का व्यवहार करते हैं, तो उस रूखे व्यवहार के लिए उनकी जो अकड़ है वो जो हमसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे, उस अकड़ का कुआ मैं जो है पानी के रूप में खाली कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है हमारे को, ठीक है। तो आगे इसका पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, इसलिए रहे रात में गजब ढा रही आली, तो बात कर रहे हैं मैं अब यहाँ पे कि आली का मतलब होता है सखी, तो हे सखी कोयल तू इस रात को हमें बोल बोल कर जो मधुर राग सुनाने चाहिए, लेकिन इस समय तो तुम्हें क्या है क्रांति का या एक अच्छा मतलब यूँ कहें कि हमें देश की आज़ादी के लिए गीत सुनाने चाहिए, और आप एक अलग राग है वो अलाप कर रही हैं, तो ये आली आप रात को गजब ढा रहे अर्थात आप अलग कुछ सुना रही हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा है एक यहाँ तक का वीडियो है, अब इसको आगे वाले में देखते हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आप इसे पढ़ें और ध्यान से याद रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में, ये ध्यान रखना है।